तो गाइस मैंने सुना है कि JBL की बहुत सी चीज़ों में क्रैकिंग साउंड आ रही है। तो ये इश्यू इसलिए आता है जो इनकी वायर होती है हेडफोन्स की, ये हेडफोन स्पीकर्स की ये जो वायर्स जा रही होती है हमारी, ये कुछ ये वायर्स ख़राब हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा हेडफोन क्रैक होता है। जैसे एक वायर यहाँ से जाती है अंदर से, आप ये देख लीजिए। सो गाइस ये बीच बीच से जो वायर जा रही होती है ये हो जाती है डैमेज, जिसकी वजह से आपका जो हेडफोन होता है वो क्रैकिंग साउंड करने लग जाता है। जैसे ये JBL का ePasset BTNC है, ये क्रैकिंग साउंड कर रहा है। जैसे आपको थोड़ी आवाज़ भी आ जाएगी, ये जैसे बंदा लगाता है हाथ डाटा डुलाता है वायर, तो ये क्रैकिंग साउंड होती है। तो ये क्रैकिंग साउंड इससे ही ख़राब होगी, ये ठीक होगी। ये अपने वायर बदलनी है, ये देख लीजिए दो वायर्स आ रही हैं, ये दो वायर्स पहले बदल के देखना जैसे स्पीकर पे लग रही है। 100% सोल्यूशन हो जाएगा गाइस, बिकॉज मैंने पहले भी ये हेडफोन एक रिपेयर कर रखा है जिसकी ये क्रैकिंग साउंड ठीक हो गई थी। और अगर गाइस आपको JBL का हेडफोन दूसरा है, अभी 2 मिनट लेके आता हूँ मैं, ऐसे में जब ब्लूटूथ होता होता है इस तरह में ब्लूटूथ, वो अगर नहीं चल रहा तो ये क्रैकिंग साउंड कर रहा है, तो उसकी भी वायर मैंने चेंज कर रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेंज रखी है। सो गाइस ये इसकी वायर भी क्रैकिंग हो गई थी, तो मैंने ये JBL का ये बदल रखा है, तार न्यू लगा रखी है मार्केट से ला के, एंड इसके ऊपर भी ये टेप ला रखी है। ये बिजली टेप की होती है, वैसे अच्छी क्वालिटी की होती है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इनका रिव्यू भी दिखा दूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे कमेंट करेंगे कि भैया हमें भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपने ये वायर लगाई है, तो मैं आपको दिखा भी दूँगा, क्योंकि मैं रिपेयर भी करता रहता हूँ चीज़ें। तो बता दूंगा मैं आपको, एंड मेरे को कमेंट करें कि इसको चाहिए, मैं आपको समझा दूंगा, व्हाट्सएप कॉलिंग बातचीत आपको कर लूँगा आपसे, और ज़्यादा कॉल भी ना आए जिससे मैं काम धंधा नहीं कर पाऊँ। जैसे मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ तो बिजी रहता हूँ थोड़ा, तो गाइस समझा दूंगा वैसे मैं आपको। ये वायर लगा के गाइस ये पहले ऑन तक नहीं हो रहा था ये हेडफोन, और ये फिर ऑन हो गया। ये देखो 100% सोल्यूशन है गाइस, ये देख लीजिए लाइट आ चुका है, ये देखो कनेक्ट भी हो चुका है। 100% सोल्यूशन है इस वायर से। अगर क्रैकिंग वैसे अगर तो आपका ऐसे ही हो रहा है, तो आप इसके पे भी जाए ऊपर से ही लगा दें, और ऊपर ये मजबूती वाली टेप लगा दें कपड़े वाली, ना हो तो मेरे से कमेंट पे कर लेना, मैं बता दूँगा। सस्ती आती है ये, 30-40 रुपये की मेरे घर बड़ी वाली थी, ज़्यादा ध्यान नहीं है मेरे को, वैसे 30-40 रुपये की कॉस्ट आती है, कपड़े वाली आती है ये बड़ी टेप। वैसे आप कोई भी बिजली वाले या मैकेनिक के पास जाएंगे वो आपको ये टेप दे देगा, और आपने कुछ नहीं करना स्पीकर की तारों के साथ, बस जहाँ से ये तार जा रही है ना, जहाँ कंपनी वालों ने ये तार लगाई है, अंदर से जाके इसके जॉइंट देख लेने आपने, उसको हटा देना और अपने यहाँ पे हल्का सा छेद कर दे इस साइड या उस साइड, जिस साइड भी ये न्यू तार लगाते, और जहाँ टांके लगे हैं ना इस तार के, एक एक टांग का उतार लेना इस तार का, और अपनी न्यू वाली तार का अंदर टांगा लगा देना भाई, यही है गाइस, और आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा, हेडफोन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये JBL की चीज़ें कॉस्टली होती है, तो बंदा हर कोई रिपेयर कर ले तो ठीक रहता है, नहीं तो पैसे वेस्ट हो जाते गाइस। और गाइस इसका भी मैं आपको वायर बदल के आपको दिखाऊंगा चैनल में कि ये ठीक हो चुका है, ये क्रैकिंग साउंड कर रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो यहाँ पे कहते हैं प्लस माइनस का बटन दबा के भी ऐसे कुछ होके ये रीसेट हो जाता है, किन्हीं किन्हीं का हो जाता है, बट मेरे को कुछ रीसेट करके ठीक नहीं हुआ ये। तो गाइस ये हेडफोन है,
और किसी की ये भी ख़राब हो जाए, तो अगर किसी ने बैटरी लगवानी हो तो गैस मेरे से कॉन्टेक्ट जरूर करें, अगर इस पर बैटरी लगवानी हो। अगर आप दिल्ली में नियर बाय रहते हो तो मैं चेंज कर दूँगा। ये देख लीजिए, ये भी हल्की है, ये देखो मैंने बैटरी बदली है, ये भी चल रहा है। ये JBL का है फ्लिप 3। बाकी आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरे से संपर्क करें। अब गैस वैसे मैं अब इसकी वायर बदलूँगा, बिकॉज यार मैंने वीडियो नहीं बना पाता रिपेयरिंग करते हुए। रिपेयरिंग करते हुए दिखाओ तो मेरे बहुत व्यूज़ आ जाए। जैसे जैसे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे मैं सामान ले गया हुआ, फिर ऐसे स्टैंड लिया हुआ वो रख लेगा, फिर मैं रिपेयरिंग करके दिखा दूँगा आपको। नेक्स्ट वीडियो अब रिपेयरिंग में ज़्यादातर आया करेगी। ये देख लीजिए JBL, इसकी वायर ख़राब हो गई है। वैसे तो मैंने टेप लगा के थोड़ा कर रखी है, वाइट वाली टेप भी आती है बिजली वाली मार्केट में। ये वायर है, ये देखो JBL, जगह जगह लिख रखा है इन्होंने JBL। फोकस की नहीं हो रहा, हो गया। तो गैस वैसे क्रैकिंग साउंड का 100% सोल्यूशन, तुमने ये तार बदल देनी है बस। वायर बदलनी है आपने, कुछ नहीं करना गैस, घबराना है कुछ नहीं है। वायर बदलनी है या इनकी तार लगी है, वहाँ न्यू तार लगा दो और बाकी कुछ छेद वेद करके जैसे मैंने इसमें तरीके से छेद किया है ना वैसे कर दो, चाहे आयरन से कर देना छेद, या ऐसे वायर अंदर डाल लो और ये बाकी आराम से टेप टूप लगा के बिल्कुल अपना हेडफोन बढ़िया हो जाएगा। तो गैस ये भी देखो ना, आज आपके सामने बिल्कुल बढ़िया तरीके से वो चल रहा है, बेस्ट। बाकी कुछ समस्या हो तो मेरे को बता देना, मैं करवा दूँगा। मैंने इसके एयर कुशन भी बदल दिए थे गाइस, ये देखो एयर कुशन का भी कुछ नहीं, कोई अपना साधारण सा एयर कुशन लाओ, इस पर फिट करो इनका, इसका प्लास्टिक ज़रूर उतार लो, प्लास्टिक तुम्हारा होगा तो जब ही चेंज हो पाया था। ये इसका प्लास्टिक बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने JBL का ही प्लास्टिक यूज़ कर रहा हूँ इसमें, बिकॉज ये मेरे खुद का हेडफोन है गैस, इसे मैंने परचेज़ किया था, बहुत अच्छा भी चला है, 2 साल चला है, 1.5-2 साल सही चला है। अभी बट ख़राब हो गया, अब रिपेयर करके इसे भी ठीक कर लेंगे भाई को। ये मेरे को ये भी रिपेयर कर दिया था मैंने। तो गाइस आपको कुछ भी समस्या है तो मेरे को बताना, मैं कमेंट पे आपका हो सके तो पूरा रिप्लाई दूंगा, बिकॉज वैसे अभी इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, समझा दूंगा आपको बात, वो मेरा वेट कर लेना रिप्लाई का बस। बाकी इधर भी मैंने बैटरी लगा रखी है, 2 घंटे का बैकअप है इसका बैटरी का। तो जो तो मेरे को बताना, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करके कर दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, क्योंकि उसमें मैं ये यूट्यूब में बिल्कुल नया आया हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता भी कि कैसे वीडियो बनानी है, कैसे नहीं बनानी, कैसे एडिटिंग करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। अब धीरे धीरे सीखेंगे, यूट्यूब चैनल तो खोल दिया। चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग सामान या होम थिएटर के साथ लाऊंगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।